हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा टॉपिक अभी इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत आरबीआई की मौद्रिक नीतियां चल रही है, तो आरबीआई की मौद्रिक नीतियों में हमने एसएलआर के स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो के बारे में जान लिया था। उसके बाद हम जान लेते हैं अब जो रिजर्व बैंक की दूसरी मौद्रिक नीति है सीआरआर, जिसे सीआरआर कहते हैं, उसे कैश रिजर्व रेशो भी कहते हैं, नकदी आरक्षण अनुपात, जिसके बारे में जान लेते हैं। यह भी एक आरबीआई की मौद्रिक नीति है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में, यह सीआरआर क्या है। तो अर्थव्यवस्था में महंगाई नकदी की मात्रा पर नियंत्रण करने में भारतीय रिजर्व बैंक जिन उपायों का सहारा लेता है उनमें सीआरआर प्रमुख है। जिस तरीके से एसएलआर प्रमुख था, उस तरीके से सीआरआर भी प्रमुख है अर्थव्यवस्था की महंगाई और नकदी की मात्रा पर नियंत्रण करने के लिए। कमर्शियल बैंक के पास कुल जितना भी पैसा जमा के रूप में होता है उसका एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास जमा रखना अनिवार्य होता है। मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक से मतलब हमारे आसपास के परिवेश के जितने भी बैंक है, उनको अपने पैसे का, अपनी कुल जमा है उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है, जिसे हम सीआरआर कह सकते हैं। कुछ हिस्सा अपने पास रखना होता है उसे तो हम कहते हैं एसएलआर, और कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है उसे हम कहते हैं सीआरआर। यह एक निश्चित प्रतिशत या अनुपात में हो सकता है जिसे हम सीआरआर कहते हैं। मतलब रिजर्व बैंक के पास कमर्शियल बैंक एक निश्चित हिस्सा रखते हैं अपनी कुल जमाओं का, जो उन जमाओं का जो निश्चित हिस्सा रखते हैं उसे ही हम सीआरआर कहते हैं। बात करते हैं ये जमाएं आरबीआई के पास बैंकों के चालू खाते के रूप में जमा रखनी होती है। मतलब कमर्शियल बैंक अपना एक करंट अकाउंट खुलवाता है वहां पर, जिसमें उसे यह राशि को जमा रखना अनिवार्य होता है। सामान्य चालू खाते की तरह ही रिजर्व बैंक इस जमा राशि पर कमर्शियल बैंक को किसी तरह का ब्याज नहीं देती है। मतलब सीआरआर की जो राशि रिजर्व बैंक सीआरआर की राशि जो कमर्शियल बैंक सीआरआर की राशि है उसे रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, उस पर रिजर्व बैंक किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता है। बस उसे तो रखना होता है क्योंकि वह रिजर्व बैंक की एक प्रावधान में लिखा हुआ है, उस प्रावधान को फॉलो करना होता है जिसके तहत कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास निश्चित अनुपात में, जो वह निश्चित अनुपात आरबीआई खुद तय करती है, उस निश्चित अनुपात के रूप में उनके पास रखना होता है। आगे बात करते हैं रिजर्व बैंक के पास रखी इस रकम का प्रयोग करने का अधिकार कमर्शियल बैंकों के पास नहीं होता है, और इस प्रकार की जो राशि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं उसका उपयोग करने का भी अधिकार कमर्शियल बैंक को नहीं होता है। यानी कि किसी भी प्रकार की आर्थिक व्यवसायिक गतिविधियों के लिए इस पैसे का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार की आर्थिक व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। कमर्शियल बैंक इस पैसे को किसी भी उद्यमी को, सामान्य लोगों को उधार के रूप में, कर्ज के रूप में भी नहीं दे सकते हैं। इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। देखिए, किसी बैंक के पास 2 लाख रुपए जमा है, माना कि उस समय सीआरआर की रेट कितनी है 7%। 7% के हिसाब से 2 लाख का अगर 7% निकाले 14,000 रुपए सीआरआर के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होगा। बैंक इस 14,000 रुपए को किसी भी प्रकार का, मतलब जो कमर्शियल बैंक ने अपना करंट अकाउंट में रिजर्व बैंक के पास रखा है, उस 14,000 रुपए को व्यवसायिक गतिविधियों या कर्ज के रूप में देने या निवेश आदि के रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। 14,000 रुपए बैंक की ओर से रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध चालू खाते में अनिवार्य रूप से रखना होगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि सीआरआर क्या है, जिसमें सीआरआर के अंतर्गत कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास कुछ निश्चित हिस्सा रखते हैं, जिसकी निश्चित हिस्सा की जो रेट है, मतलब सीआरआर की रेट है, वह भी रिजर्व बैंक तय करता है, और वह निश्चित जो हिस्सा रखता है उस पर किसी तरीके का ब्याज नहीं दिया जाता है, और उस पैसे को कमर्शियल बैंक, मतलब जिस बैंक का पैसा है, वह बैंक किसी भी रूप में काम नहीं ले सकता है। जबकि हमने देखा कि एसएलआर जो था वह एसएलआर खुद के पास रखना होता है बैंकों को, लेकिन वो किसी कारणवश अगर एसएलआर खुद के पास नहीं रखकर रिजर्व बैंक के पास रखता है तो उस पर ब्याज दे दिया जाता है, जबकि यहां पर सीआरआर में किसी तरीके का ब्याज नहीं दिया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं सीआरआर घटने और बढ़ने का प्रभाव। किसी
देश में अगर सीआरआर की रेट को अगर बढ़ रिजर्व बैंक मतलब भारत में अगर सीआरआर की रेट को रिजर्व बैंक घटाता है और बढ़ाता है तो इसका किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। जब रिजर्व बैंक सीआरआर ज्यादा करता है, सीआरआर की रेट को बढ़ा देता है, तो बैंकों को अपनी जमाओं का हिस्सा आरबीआई के पास ज्यादा मात्रा में रखना पड़ता है। बैंक के पास कम अपनी जमाएं कम हो जाती है। निश्चित सी बात है जब सीआरआर की रेट बढ़ा देगा तो सीआरआर का मतलब ही क्या है कि रिजर्व बैंक के पास कुछ निश्चित हिस्सा जमा करना, और निश्चित हिस्सा मतलब रेट, और रेट कौन है सीआरआर। सीआरआर की रेट बढ़ गई तो मतलब ज्यादा पैसा सीआरआर के पास जमा करवाना होगा। मतलब सीआरआर की रेट मान लीजिए अगर 40% कर दी गई 20 से 40, मतलब 100 रुपए है तो 100 रुपए में 40 रुपए तो उसके पास ही जमा हो गए, तो इस तरीके से उसके पास अपनी जमाएं कितनी रह गई 60 ही रह गई, मतलब जमाओं में कमी हो गई और सीआरआर के रेट बढ़ने से, और वे उद्यमियों और सामान्य लोगों को कम मात्रा में कर्ज देने में सक्षम हो जाते हैं। उनके पास 60 रुपए तो बचे तो 60 रुपए के हिसाब से वह कम मात्रा में कर्ज देंगे। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता मतलब पैसों की उपलब्धता कम हो जाती है, मतलब अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी आ जाती है। मतलब बैंकों के पास ही कम पैसा है तो वो उद्यमियों को निश्चित मात्रा में, उद्यमियों को भी कम मात्रा में पैसा देंगे। इससे महंगाई को नियंत्रण करने में मदद मिलती है, और कम पैसा होगा तो निश्चित है जो उद्यमियों को कम पैसा मतलब बैंक ही कर्ज के रूप में कम पैसा देगी तो मार्केट में भी कम पैसा आएगा, कम पैसा आएगा तो बाजार की जो महंगाई है, कम पैसा आएगा तो वस्तु की कम खरीद भी कम होगी, वस्तु की खरीद कम होगी तो वस्तु के मूल्य में कमी आएगी, वस्तु के मूल्य में कमी आएगी तो महंगाई पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इसके विपरीत हमें अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने में मदद मिलती है। मतलब अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, मतलब सीआरआर की रेट को घटा दिया जाए, तो बैंकों के पास ज्यादा मात्रा में पैसा होगा बैंक व्यापारी ग्राहकों को और सामान्य लोगों को देने के लिए, और उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वे ज्यादा से ज्यादा लोन के रूप में देंगे, जिससे मार्केट में तरलता की उपलब्धता बहुत अधिक हो जाएगी और पैसा बहुत अधिक हो जाएगा तो महंगाई में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, वस्तुओं को खरीदने में ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के वस्तुओं को खरीद लेंगे, ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीदने की कोशिश करेंगे, वस्तु की डिमांड में कमी आने के कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, और वस्तु मूल्य में वृद्धि होने के कारण अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था में जो मंदी देखी जा रही थी वह मंदी को दूर करने में मदद मिलती है। इस तरीके से सीआरआर के थ्रू आरबीआई मार्केट में अर्थव्यवस्था की मंदी और कमी पर नियंत्रण मंदी को दूर करने में, और अर्थव्यवस्था में जो मंदी होती है उसकी कमी को दूर करने, तरलता की मुद्रा की तरलता की उपलब्धता की कमी को दूर करने में और उपलब्धता को बढ़ाने में मतलब उनका तरलता को बढ़ाने में मददगार करता है सीआरआर का सहारा लेता है आरबीआई। आगे हम बात करते हैं सीआरआर की जरूरत क्यों, मतलब आरबीआई को सीआरआर की जरूरत एक तो अर्थव्यवस्था को दूर करने के लिए पड़ी, दूसरी क्या जरूरत पड़ी कि सीआरआर आरबीआई के पास रखना पड़ रहा है। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसमें सीआरआर की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए बैंकों के पास जो पैसा होता है बैंक उसे कारोबारी होते हैं जो व्यवसायी होते हैं और सामान्य लोगों को कर्ज के रूप में बांटकर उस पर थोड़ा ज्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं। निश्चित सी बात है बैंक पैसा कहाँ से इकट्ठा करता है, बैंक हमको इतना सारा इंटरेस्ट कहाँ से दे देता है, वो जो हमसे पैसा ले रहा है उसको कर्ज के रूप में देता है और कर्ज के रूप में देकर वहां से ज्यादा ब्याज वसूल करता है और हमको कम ब्याज देता है, इससे उनको प्रॉफिट होता है। इस तरीके से बैंक एक ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमाना चाहता है। इस प्रक्रिया में भी ज्यादा से ज्यादा रकम कर्ज के रूप में देना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा कर्ज के रूप में रकम देना चाहेंगे जिससे ब्याज ज्यादा से ज्यादा मिले। लेकिन किसी समय अगर जो जमा करता है वो एक साथ पैसा निकालना बैंक के पास पहुंच जाए, जो बैंक के पास मान लीजिए एक बैंक में 100 जमा करता है और 100 ने पैसा जमा करा रखा है और 100 का पैसा में से अगर आरबीआई की सीआरआर में 20% पटक रखा है, बाकी का 20% के हिसाब से जो 80 लोगों का पैसा है उसमें से उसने 50 लोगों का पैसा उद्यमियों को जो कर्ज के रूप में दे दिया, लेकिन वहां पर पूरे 100 के 100 लोग पैसे निकालने अगर पहुंच जाए तो बैंक तो वैसे ही दिवालिया हो जाएगा।
जो दिवाली हो जाए उसके पास 100 लोगों का पैसा चुकाने के लिए पैसा ही नहीं, क्योंकि उसने कर्ज के रूप में दे दिया। अब कर्जदार पैसा लौटाएंगे तब तो वो पैसा लौटाएगा। तो इस तरीके से अगर किसी कारणवश अगर सीआर सभी ग्राहक अगर पैसा लेने पहुंच जाए और फिर उस बैंक की सबकी रकम चुकाने चुकता करने में समस्या आ जाती है, और ऐसी स्थिति में बैंक को उस सभी जो ग्राहक है उनकी पैसे को रकम को चुकाने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। हो सकता है कि वह बैंक सबकी रकम लौटा पाने में असमर्थ हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए रिजर्व बैंक सीआरआर व्यवस्था लागू करता है। ऐसी स्थिति में सीआरआर की व्यवस्था लागू करता है, इसलिए बैंक को डर रहता है, रिजर्व बैंक को भी डर रहता है कि ग्राहकों का पैसा डूबे नहीं। तो इसलिए ग्राहकों का पैसा न डूबने के कारण वह सीआरआर की एक निश्चित दर से बैंकों को अपने कंट्रोल में रखता है, बैंकों की जो रकम है उसको भी कंट्रोल में रखता है, बैंकों के ग्राहक है उनको भी संतुष्टि प्रदान करने का कार्य करता है रिजर्व बैंक, जो एक विपक्ष के रूप में कार्य करता है, बैंकों के पीठ के रूप में कार्य करता है, जिस तरीके से बैंक को कंट्रोल करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सीआरआर का मतलब पूरा समझ में आ चुका होगा। सीआरआर का मतलब हमने इस तरीके समझाया कि चाहे वह यूपीएससी की परीक्षा दे रहा हो, चाहे आरपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन या फिर जनरल नॉलेज के रूप में भी अगर बैंक की मौद्रिक नीति में अगर सीआरआर का मतलब जान रहा है तो उसे पूरे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसी तरीके से आपको सरल तरीके से इकोनॉमिक की सभी वीडियो को सरल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं।